हेलो फ्रेंड्स, शर्मिला प्राइम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया तोरण बताऊंगी, जिसके लिए मैं दो कलर का कॉम्बिनेशन ली हूँ। ये लाइट पिंक है 100 ग्राम और ब्लू लाइट ब्लू है 100 ग्राम। क्रोशेट हुक है 2.5 mm का। ये दोनों ऊन हमें 4 ply लेना है। ये एक्चुअली पतला ऊन है, इसलिए मेरे को 2 एक्स्ट्रा ज्वाइन करना पड़ा। शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। चेन लेना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 चेन के बाद ये जो 8 नंबर का जो चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वहाँ पे हमें पहला डबल क्रोशेट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, तीसरा और ये चौथा। चार डबल क्रोशेट के बाद 2 चेन लेना है और 1 और 2 नीचे का 2 चेन स्किप करके लास्ट का जो 2 चेन है वहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक दो तीन, 3 चेन लेके टर्न लेना है। ये डबल क्रोशर के ऊपर 1 डबल क्रोशर, 2 चेन, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट 1 डबल क्रोशर के ऊपर 1 डबल क्रोशर, फिर अभी 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद ये दोनों छोड़ना है यहाँ पे, 1 डबल क्रोशर, और ये गैप में हमें 3 डबल क्रोशर बनाने हैं। 1, 2 और 3। एक दो तीन, 3 चेन। 3 चेन के बाद 6 चेन और बनाना है, मतलब टोटल 9 चेन बनाना है यहाँ पे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 चेन के बाद तीसरा चेन में पहला डबल क्रोशर बनाने हैं, दूसरा में डबल क्रोशर, थर्ड चेन में तीसरा, उसको ऐसा लेके ये जो फोर्थ वाला है यहाँ पे चौथा। अब 2 चेन लेना है, ये नीचे का 2 छोड़ना है डबल क्रोशर। 1, 2, 2 चेन, ये डबल क्रोशर के ऊपर डबल क्रोशर, 2 चेन, लास्ट में ये डबल क्रोशर के ऊपर डबल क्रोशर बनाने हैं। 1, 2, 3 चेन लेके टर्न लेना है। 1, 2, 2 चेन, डबल क्रोशर के ऊपर डबल क्रोशर, 1, 2, 2 चेन, यहाँ पे 1 डबल क्रोशर,
एक दो, दो चेन। अब इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो चेन, अब गैप में तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, अब सेम मैं जैसे यहाँ पे बनाई थी यहाँ पे बनाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। उसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशर, दूसरा चेन में दूसरा डबल क्रोशर और तीसरे चेन में तीसरा, फिर ये चौथे में ये देखिए दो चेन, नीचे का दो छोड़ना है, फिर दो चेन। अब मैं यहाँ से ऐसे रिटर्न आऊँगी यहाँ तक बना के जैसे मैं यहाँ पे बनाई हूँ। मैं देखिए यहाँ तक आने के बाद सेम यहाँ पे इसको हमें बढ़ाना है, सेम डिज़ाइन हमें बनाना है सेम तरीके से, तीन चेन गैप में, सॉरी तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। यहाँ पे एक डबल क्रोशर, दूसरे में एक डबल क्रोशर और तीसरे में एक डबल क्रोशर। सेम दो चेन, एक दो चेन, यहाँ पे एक डबल क्रोशर के ऊपर डबल क्रोशर, एक दो, यहाँ पे एक डबल क्रोशर, कंटिन्यू बनाना है ऐसे। तीन चेन लेके टर्न लेना है, एक दो, दो चेन, डबल क्रोशर के ऊपर डबल क्रोशर, दो चेन, फिर डबल क्रोशर के ऊपर डबल क्रोशर, दो चेन, एक
दो और तीन, 11 में 3 डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। सेम ऐसे ही करके हम टोटल 10 लाइन बढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11वां लाइन है ये। अब यहाँ पे डबल क्रोशर लेने के बाद अब मैं ही यहाँ से आगे नहीं बढ़ूँगी, यहाँ से अभी रिटर्न इसको घटाते जाऊँगी। अगर आपको इससे और बड़ा करना है तो सेम जैसे करके मैंने बनाया वैसे आपको बनाना है। गैप में दो डबल क्रोशर, एक डबल क्रोशर के ऊपर एक डबल क्रोशर, एक दो तीन चेन लेके टर्न लेना है डायरेक्ट, यहाँ पे एक डबल क्रोशर, उसके बाद ये गैप में दो डबल क्रोशर और एक डबल क्रोशर के ऊपर एक डबल क्रोशर, दो चेन, सेम मसी बनाना है। यहाँ से ऐसे टर्न लेके मैं आई हूँ, यहाँ पे सेम एक डबल क्रोशर, गैप में दो डबल क्रोशर, एक दो तीन चेन लेके टर्न लेना है, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशर, गैप में दो डबल क्रोशर, ऐसे करके हमें घटाते जाना है। अभी अगर आपको कहीं भी लगे कि मेरा वीडियो फास्ट हो रहा है, आप यूट्यूब के सेटिंग में जाके वहाँ पे नॉर्मल मोशन में कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो का क्लैरिटी सही नहीं आ रहा है तो यूट्यूब के सेटिंग में आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगा। यहाँ तक टर्न लेके आऊंगी, यहाँ भी सेम, यहाँ पे गैप में दो डबल क्रोशर, उसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशर, तीन चेन लेके टर्न लेना है, यहाँ पे एक डबल क्रोशर, एक दो चेन, बहुत सिंपल थोड़ा नहीं है फ्रेंड्स।
टर्न लेना है। अभी देखिए सेम यहाँ पे सने के एक दो तीन छने के टर्न लेना है। और ये देखिए यहाँ पे ऐसा टर्न लेना है सेम। अभी यहाँ से फिर से नया स्टार्ट होगा जैसे हम यहाँ पे बनाए थे। यहाँ पे सेम दो चेन इसके ऊपर अभी गैप में तीन डबल क्रोशर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार एक दो ये फिर सेम स्टार्ट होगा। यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये 11th वाला है। ये ऐसे लंबा होगा, आप अपने डोर के हिसाब से इसको लंबा कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा ऐसे ही करके इसको कंटिन्यू लंबा करना है।
आप अपने डोर के हिसाब से बनाइए, मैं टोटल 5 बनाई हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी। अब ये कलर ऐड करूँगी। यहाँ पे ऐड करना है, एक दो तीन चैन लेके, दो डबल क्रोशिया, एक दो दो चेन के बाद फिर से 3 डबल क्रोशर, अब यहाँ पे ऐसा सिंगल क्रोशर से बंद करना है, 3 डबल क्रोशर, 2 चेन, 3 डबल क्रोशर, जिसको जो हम बाद में हाइड कर देंगे। फिर सेम यहाँ पे एक दो तीन, 3 डबल क्रोशर के बाद 2 चेन, फिर से एक दो और 3। उसके बाद यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशर से बंद करना है। सेम ये गैप में भी एक दो 3, 3 डबल क्रोशर, 2 चेन, 3 डबल क्रोशर, अब ये जो है यहाँ पे डायरेक्ट फिर यहाँ पे ऐसे आना है, एक दो 3, तीन डबल क्रोशर, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशर, दो चेन,
डबल क्रशर, दो चेन, ये सब में टोटल 6 बना है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दो दो चेन लेके हमें 15 डबल क्रोशर बनाने हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे हमने 15 बनाए और ये वाले कॉर्नर में हमें 9 बनाने हैं। तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, और तीन डबल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा इसे बनाना है।
अभी इसमें यहाँ पे ऐसा स्लिप नॉट से बंद करूँगी। उसके बाद गैप में एक सिंगल क्रोशेट, एक और सिंगल क्रोशेट, ये डबल क्रोशेट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। टोटल हो गया 1 2 3 4, 4 सिंगल क्रोशेट। अब 1 2 3 4 5 चेन लेना है। 5 चेन के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, दो चेन, ये जो हमने जो तीन तीन डबल क्रोशर टर्न लेने के लिए बना है, यहाँ पे सब में हमें एक एक डबल क्रोशर लेना है, दो दो चेन लेके। एंड तक लेना है, ये पूरा एंड तक आने के बाद यहाँ पे अब सेम यहाँ पे वैसे ही करके हम सिंगल क्रोशेट लेंगे। गैप में ऐसे करके लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा सिप डॉट मारना है और एक चेन लेके इसको कट करना है। अब यहाँ से मैं फिर से इसको ऐड करूँगी। एक दो तीन, तीन चेन के बाद
गैप में दो डबल क्रोशिया यहाँ एक डबल क्रोशिया गैप में दो डबल क्रोशिया पूरा कंप्लीट करना है इसको। ऐसे बनाने के बाद यहाँ पे एक दो तीन तीन चेन फिर चार पाँच एक दो छोड़ना है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया फिर दो चेन ये छोड़ना है एक दो दो चेन ये दो छोड़ना है यहाँ पे जैसे बनाए थे सेम यहाँ भी वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पे आने के बाद तीन चेन लेके टर्न लेना है उसके बाद ये बॉक्स में एक डबल क्रोशर बनाने हैं एक चेन एक चेन लेना है उसके बाद एक डबल क्रोशर फिर अभी दो चेन लेना है ये बॉक्स को छोड़ना है नेक्स्ट वाले पे एक डबल क्रोशर एक चेन एक डबल क्रोशर फिर से दो चेन ये छोड़ना है यहाँ पे एक डबल क्रोशर एक चेन एक डबल क्रोशिया दो चेन लेना है ये छोड़ना है ऐसे ही करके हमें एंड तक बनाना है यहाँ तक आ जाएंगे। अब फिर से तीन चेन लेना है यहाँ का जो लास्ट है लास्ट में हम सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया लेंगे तीन चेन लेके टर्न लेना है एक और चेन लेना है टोटल चार चेन उसके बाद गैप में एक डबल क्रोशिया एक चेन ये गैप में एक डबल क्रोशिया एक चेन ये गैप में एक डबल क्रोशिया अभी सब गैप में हमें एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया एक चेन ऐसे करके ये लाइन को भी पूरा कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जब मैं बनाई थी, यहाँ पे दो डबल क्रोशर है, तो एक चेन लेके यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे हमें बनाना है। उसके बाद इसको कट करना है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये वाला कलर ऐड करेंगे अभी। एक दो तीन, तीन चेन और एक चेन एक्स्ट्रा, चार। सेम ऐसे ही बनाना है अभी। एक चेन डबल क्रोशर के ऊपर एक डबल क्रोशर, जैसा मैंने ये पिंक वाले में लाइन बनाई हूँ सेम ऐसे ही मुझे ब्लू वाला भी एक लाइन ऐसे ही बनाना है सेम। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एक दो तीन चेन लेके टर्न लेना है। टर्न लेके ये जितने भी एक्स्ट्रा धागा है उसको बाद में मैं हाइड कर दूंगी। नेक्स्ट गैप में एक डबल क्रोशर, एक चेन और एक डबल क्रोशर, फिर दो चेन लेना है। इसको स्किप करना है। यहाँ पे एक डबल क्रोशर, एक चेन, एक डबल क्रोशर, दो चेन लेना है। इसको स्किप करना है। एक डबल क्रोशर, एक चेन, जैसा इसको बनाई थी सेम ऐसे ही बनाना है इसको। यहाँ तक आने के बाद इसको टर्न करेंगे। गैप में स्लिप नॉट लेंगे, एक दो तीन चेन और इसी गैप में तीन डबल क्रोशर। उसके बाद एक चेन, और फिर से एक चेन लेना है। ये गैप में चार डबल क्रोशर, एक दो तीन चार, फिर एक चेन। उसके बाद यहाँ पे ऐसा सिंगल क्रोशर से बंद करना है, फिर एक चेन लेना है। यहाँ पे
चार डबल क्रोशर, एक दो तीन चार, एक चेन लेना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशर से बंद करना है, फिर एक चेन लेना है, यहाँ से बनाना है। हम एंड तक इसको ऐसे ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं आई हूँ पूरा कंप्लीट करके। अभी यहाँ पे लास्ट में ऐसा स्लिप नॉट से बंद करेंगे, उसके बाद एक चेन लेके इसको बंद कर देंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये मोती ऐड करूँगी। आठ नंबर के मोती हैं। मोती कैसे ऐड करना है वो मैं बता देती हूँ। मोती ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मोती की जगह पम पम भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। यहाँ पे स्लिप नॉट ऐड करूँगी धागा को, उसके बाद सिंगल क्रोशेट एक, दो और गैप में एक और, गैप तक सिंगल क्रोशेट से आना है, उसके बाद ये मोती ऐड करना है। इसके लिए मैंने पतला क्रोशेट हुक यूज़ किया हूँ मोती को इंसर्ट करने के लिए। एक दो तीन, एक और मोती, एक दो तीन, ऐसा लेके अभी यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट से बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशेट, यहाँ पे सिंगल क्रोशेट, गैप तक सिंगल क्रोशेट से ही आना है। जैसे मैं यहाँ पे आई थी दो तीन, तीन चेन,
दो तीन तीन चैन, देखिए यहाँ तक आऊँगी बना के। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं बनाई हूँ। अभी यहाँ पे सेम यहाँ तक हम सिंगल क्रोशेट में आएंगे। तीन चैन लेके फिर से सिंगल क्रोशेट से बंद करना है। तीन चैन अभी इसको ऐसा ऐड करने के बाद हम ऐसा लेंगे, उसके बाद लटकन ऐड करेंगे क्रिस्टल का। मैं लाल कलर में ऐड कर रही हूँ, आपको जैसा जो कलर लगता है आप वैसा ऐड कीजिए। एक चेन फिर से मोती, एक दो तीन, अब इसको यहाँ पे ऐसा सिंगल क्रोशर से बंद करेंगे। सेम यहाँ भी वैसे ही
तीन चैन, सेम गैप में देखिए यहाँ पे 2 मैं ऐड की हूँ लटकन, यहाँ से करके पूरा कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मैं आई हूँ पूरा कंप्लीट करके। अभी यहाँ पे लास्ट में ऐसा स्लिप नॉट से बंद करेंगे, उसके बाद एक चेन लेके इसको बंद कर देंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये मोती ऐड करूँगी, आठ नंबर के मोती है। मोती कैसे ऐड करना है वो मैं बता देती हूँ। मोती ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मोती की जगह पम पम भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। यहाँ पे स्लिप नॉट ऐड करूँगी धागा को, उसके बाद सिंगल क्रोशेट एक दो और गैप में एक और गैप तक सिंगल क्रोशेट से आना है, उसके बाद ये मोती ऐड करना है। इसके लिए मैंने पतला क्रोशेट हुक यूज़ किया हूँ मोती को इंसर्ट करने के लिए। एक दो तीन एक और मोती, एक दो तीन
ऐसा लेके अभी यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट से बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशेट, यहाँ पे सिंगल क्रोशेट, गैप तक सिंगल क्रोशेट से ही आना है। जैसे मैं यहाँ पे आई थी दो तीन तीन चैन, एक दो तीन तीन चैन, देखिए यहाँ तक आऊँगी बना के। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं बनाई हूँ। अभी यहाँ पे सेम यहाँ तक हम सिंगल क्रोशेट में आएंगे। तीन चैन लेके फिर से सिंगल क्रोशेट से बंद करना है। तीन चैन अभी इसको ऐसा ऐड करने के बाद हम ऐसा लेंगे। उसके बाद
लटकन ऐड करेंगे क्रिस्टल का। मैं लाल कलर में ऐड कर रही हूँ, आपको जैसा जो कलर लगता है आप वैसा ऐड कीजिए। एक चेन, फिर से मोती, एक दो तीन, अब इसको यहाँ पे ऐसा सिंगल क्रोशर से बंद करेंगे। सेम यहाँ भी वैसे ही, तीन चैन, सेम गैप में ये देखिए यहाँ पे दो मैं ऐड किया हूँ लटकन,
यहाँ से करके पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एंड तक बना ली हूँ। एंड में यहाँ पे ऐसी स्लिप नॉट से बंद करेंगे। ये देखिए, फ्रेंड्स होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो। अगर पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।